Everybody, today we will discuss about the cyclotron. Cyclotron एक डिवाइस होती है और उसका डायग्राम भी दिखा रखा है इसमें, फॉर्मूला क्यों होता है और उसका क्या क्या यूज़ होता है, ये सब हम cyclotron में पढ़ेंगे और वन बाय वन इसकी बारे में पढ़ेंगे। जैसे cyclotron क्या है, cyclotron इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल टू हैवी एनर्जी। आप जो है मतलब हाई एनर्जी से इनको एक्सेलरेट कराते हैं। ये जो cyclotron है ये सिर्फ एक्सेलरेट उन्हीं को करा सकता है जो चार्ज हो, जिनका चार्ज नहीं होगा उन्हें एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये इसकी खास बात है। A charged particle can be accelerated to very high energy by making pass through the moderate electric field a number of times. इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होता है बार बार और इतनी ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती है इसकी बहुत ज़्यादा। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज थ्रोन द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ऐसा, ये आपका जो है इस तरीके से रोटेट करता रहेगा और कितनी हाई स्पीड जब तक के बन जाएगी तो इसे क्या करेगा, एक जगह से इजेक्ट किया जाएगा। और जैसे रेड कलर, ये ब्लैक में दिखा रहा हूँ और रेड कलर से करके ये बाहर निकल जाएगा। इसका डायग्राम भी मैं दूसरे उसमें दिखाऊँगा आपको। सो इज द फ्रिक्वेंसी द चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर मोशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ विच इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। जिस ये जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता और उसके रेडियस से जिस सर्कुलर में सर्कल में घूमेगा उस पर भी डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ से वो सर्कल घूम रहा है तो आप ये कहेंगे ये आर है, ये आर पे भी डिपेंड नहीं करेगा और किस फ्रिक्वेंसी पे भी नहीं डिपेंड करेगा, इस तरीके से बात आती है। ये कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन इट इज़ शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाता हूँ आपको, ये फिगर है इसकी। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका रोटेट कर रहा है, जो एरो नज़र आ रही है इसमें एक चार्ज पार्टिकल है और रोटेट करता है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें रोटेट करेगा, इसके अंदर दो ओपन और हाई, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो कि फील्ड लगा के रखते हैं और ये एक विंडो से, यानी ये विंडो से इजेक्ट करता है। जब इसे बहुत तेज़ घुमा लेते हैं तो इसे ओपन कर देता है, ये टारगेट पर जाकर अटैक करता है। तो हमको ये इसका cyclotron का डायग्राम है, इसे पढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल हॉलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर D1 and D2 कॉल्ड डीज, दे आर इन शेप ऑफ टी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो डी है वो ये, आप यहाँ ये एक डी है दूसरा डी है, तो डी शेप में रहता है, इसे रिप्रेजेंटेशन है डी में। और इसमें जो है परपेंडिकुलर यानी रोटेट इस तरीके से करेगा आपका ये, और सामने से यहाँ से नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। पढ़ते हैं इसे आगे। दे आर माउंटेड इनसाइड अ वैक्यूम चेंबर, ये वैक्यूम चेंबर में रहता है, इन बिटवीन द पोल्स हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में लगा रहता है। द डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ अ फ्यू हंड्रेड किलो वोल्ट्स, ये किलो वोल्ट से लगे रहते हैं कनेक्ट। जैसे अगर आप देखेंगे ये एक डी जो है आपका, ये डी और ये डी हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड, हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट से कनेक्ट रहते हैं और ये मूव कराते हैं इसमें, ठीक है। इसे जो आपका पार्टिकल है वो इस तरीके से रोटेट करता है, ये इसे बताता है। द बीम ऑफ पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड
इज इजेक्टेड इनटू द डीज नियर द सेंटर, सेंटर के पास उसे रखा जाता है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डाला जाता है जिससे जो चार्ज पार्टिकल है वो जब रोटेट करते हैं उसे और वो एक हाई स्पीड से चलने लगता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कॉल्ड विंडो। द होल ऑफ द डिवाइस इज हाई वैक्यूम सो दैट द एयर पार्टिकल डो नॉट कोलाइड विद द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के साथ वो कोलाइड ना करे इसलिए जो है उसे वैक्यूम में रखा जाता है। इसमें आप देखेंगे लेट द पार्टिकल क्यू जिस चार्ज से मूव कर रहा है एंड द मास एम इन रीजन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेलोसिटी वी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी द पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ, जैसे मैंने अभी बना के पीछे दिखाया था सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है और सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें लगती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला गया m square अपन r दैट इज क्यू वी साइन थीटा। ये लॉरेंट्ज़ फोर्स का है, ये मैं लॉरेंट्ज़ फोर्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लॉरेंट्ज़ फॉर्मूला है ये और यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगाएंगे दे इक्वल होते हैं तो इसे r निकल जाएगा। तो r अगर आप लेना चाहें इसे r कैसे निकलेगा, r निकालने के लिए जैसे आप बोलते हैं यहाँ पर इसे r को ऊपर ले जाएंगे और ये बाकी टर्म्स हैं इनको नीचे ले जाएंगे और जो साइन थीटा है वो थीटा है बिटवीन एंगल और मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी और इस पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से ये घूमेगा टाइम, मतलब ये r रेवोल्यूशन मतलब रेडियस है उसका और जो रेवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πr, ये जो नीचे फॉर्मूला 2πr अपॉन वी। तो r की वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें तो जो r की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा 2πv mv अपॉन qb और इस v से v कैंसिल हो जाएगा, इसमें v से v कैंसिल और जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2πr एम अपॉन क्यू बी, ये हमको मिलेगा। ये इसका डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का और ये रोटेट कैसे करेगा इसमें डायग्राम में दिखा रखा है आपको, इधर स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे रोटेट करते 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 बहुत तेज से और ये फाइनली बाहर निकल जाएगा जब हम इसे ओपन करेंगे, जब हाई स्पीड चलने जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं द फ्रिक्वेंसी होता है 1/T तो qb अपॉन 2πm। इट इज क्लियरली दैट द फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें वेलोसिटी जो है जो जिस पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं वो क्या इनिशियल वेलोसिटी है उससे इंडिपेंडेंट है और उसका रेडियस से ये इंडिपेंडेंट होता है। इस तरीके से हम जो है एंड इज कॉल्ड एज साइक्लोटोन फ्रिक्वेंसी और इसे साइक्लोटोन फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। ये दिस एंगल ये वन एफ सी इज इक्वल टू 1/T इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। वर्किंग देखते हैं इसकी, वर्किंग है सपोज द आयरन पॉजिटिव आयन सच एज प्रोटॉन एंटर द गैप बिटवीन द टू डीज, दो डी के बीच में आता है जैसे यहाँ देखेंगे आप दो डी के बीच में जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फाइंड द डी वन टू बी नेगेटिव और जो डी वन है वो नेगेटिव होगा, एक जो डी वन है यानी डी वन दिस वन डी वन जो है नेगेटिव होगा तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा इस साइड क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इस तरीके से जाएगा एक्सेलरेट करेगा। वी गेट द एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द डी टू एज इट एंटर द डी वन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको सिर्फ गैप के बीच में ही मिलेगा यानी कि यहाँ अब क्योंकि वो सिर्फ इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या करेगा ये एक्सेलरेट नहीं करेगा और सिर्फ क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड लगी ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द मेटेलिक डीज
द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इनटू द सर्कुलर पाथ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। एज इंस्टेंट द प्रोटॉन कम आउट फ्रॉम डी टू, और ये डी टू से बाहर निकलेगा, यानी कि अगर आप देखें इसमें इमेज में, यहाँ पर ये डी वन से निकल के डी टू में जा रहा है, आप देखेंगे डी वन से निकल के डी टू में जा रहा है। अब ये डी वन जब पहले डी वन में गया, डी वन में नेगेटिव था और ये पॉजिटिव चार्ज था। अब ये जब यहाँ से इसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगी तो इस सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करेगा, और जब यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से एक्सलरेट करेगा और ये डी टू में चला जाएगा, और इस तरह से रोटेट होते होते इस तरह से घूमता रहेगा, और इतना ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगा। फिर ये थ्रू विंडो, हम जहाँ विंडो देखा रखी होगी इसकी, यहाँ पर ये विंडो से ऐसे एक्सलरेट करते करते यहाँ से फिर इसे इजेक्ट किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। इसमें आगे पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहते रखा है। एट द इंसिडेंट ऑफ द प्रोटॉन कम टू द डी वन, इट फाइंड द डी वन पॉजिटिव एंड डी टू नेगेटिव। नाउ इट गेट द एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द डी टू, डी टू में एक्सेलरेशन रहेगा आपका इसमें, एंड मूव फास्टर देन डी वन, डिस्क्राइबिंग अ लार्ज सेमी सर्कुलर देन बिफोर। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा तेज वोल्टेज भागने लग जाएगा। दस वी फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज कीप्ड एग्जैक्टली द सेम द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है रेवोल्यूशन का, यानी जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो फ्रिक्वेंसी है ये चेंज होती रहेगी इसकी, और इस तरीके से ये मूव करे। देन एवरी टाइम द प्रोटॉन रीच टू द गैप बिटवीन द टू डीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। और जैसे ही डी के बीच में आएगा, दो डी के बीच में कभी भी, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर जब भी आप डी के बीच में पहुँचेगा ही, तो ये डी पोर्शन है डी वन डी टू, तो ये एक्सेलरेट करेगा और फाइनली इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, जो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और दिस इज कॉल्ड द साइक्लोटोन रेजोनेंस कंडीशन। जब वो हाई रिसीव हो जाएगा एंड द प्रोटॉन रिसीव द फाइनल पुश एंड फाइनली एक्वायर द हाई एनर्जी, जब वो हाई एनर्जी पहुंच जाएगा और इससे बाहर निकलेगा तो उसे बोलेंगे साइक्लोटोन फ्रिक्वेंसी कंडीशन। इस तरीके से ये चला जाएगा। और द प्रोटॉन फॉलो द प्रोटॉन फॉलो द स्पायरल पाथ। स्पायरल क्या होता है, जैसे आप देखेंगे स्पायरल का मतलब होता है इस तरीके से, इसे स्पायरल बढ़ता चले जाएगा, और ये जो है आपका द एक्सेलरेशन प्रोटॉन इज इजेक्टेड थ्रू द विंडो बाय डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज एंड हिट द टारगेट, और टारगेट को हिट करेगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी दैट इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा जो है 90 हो गया, तो ये आ जाएगा। तो वी वेलोसिटी जो है, हम फॉर्मूला देखेंगे, वी जो है वी यहाँ से एक कैंसिल होगा वी आउट, तो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, ये फॉर्मूला गया। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारी जाएगी वो इससे जाएगी, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, के नॉट इज इक्वल टू वन बाय टू एम वी नॉट स्क्वायर, वन बाय टू एम एम क्यू बी आर नॉट होल स्क्वायर। तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा बेसिकली लास्ट में, दैट इज क्यू नॉट के नॉट क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन टू एम हमको मिलेगा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसमें लिमिटेशन एक तो सबसे बड़े ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन रिलेशन द रिलेटिविटी द मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब ऑब्वियसली जब जो मास, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ता है, दैट इज एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। जिन्हें ये बात नहीं मालूम है वो मेरी रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ें, उसमें मैंने क्लिप बनाई है
और उसमें ये फॉर्मूला पूरा डिराइव भी करा है इस ये फॉर्मूला, तो आपको ये मिल जाएगा। एंड हाई वेलोसिटी ऑफ द साइक्लोटोन क्यू एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास, और ऑब्वियसली जब मास इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एंड दिस थ्रो द पार्टिकल आउट ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग फील्ड। अब इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई हम इससे ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। द अबव ड्रॉबैक कम आउट इधर बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एज द सिंक्रोट्रॉन्स साइक्रोटोन्स और डिक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिव फील्ड एज द साइक्रोट्रॉन्स। यानी कि अगर सिक्वेंसी अगर उसकी मैच नहीं करती है तो उस कंडीशन पे जो साइक्लोट्रॉन्स है उसकी और सिंक्रोनाइजेशन जो है सिंक्रोट्रॉन जो है उसकी अगर मैच नहीं करती तो ये हम ज़्यादा इंक्रीज इसकी आयन की वेलोसिटी इंक्रीज करते। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट इन साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता। अ लार्ज इंक्रीज इन द एनर्जी इंक्रीज टू इट्स वेलोसिटी टू द वेरी लार्ज एक्सटेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि अ लार्ज इंक्रीज इन द एनर्जी इंक्रीज द वेलोसिटी टू द वेरी लार्ज एक्सटेंट। दिस शुड थ्रो द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द स्टेप ऑफ द ऑसिलेटिंग फील्ड, और इसी वजह से ये जो ऑसिलेटिंग फील्ड से इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि हम इसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। और न्यूट्रॉन्स भी इसमें हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं होता। और आप देखेंगे यूज़ क्या है साइक्लोट्रॉन के, इट इज़ यूज इन बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन्स, स्टडी ऑफ द रिजल्टिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम करते हैं इसमें, एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इसमें काम आता है। हाई एनर्जी पार्टिकल आर यूज इन अदर हाई एनर्जी पार्टिकल से जैसे न्यूट्रॉन्स बाय कोलाइडिंग्स, कोलिजन आप करें मतलब कोलिजन कराएंगे तो कोलाइडिंग जब होगा उनका तो कोलिजन के साथ हम इसके बाद स्टडी करते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स आर यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स इन यू, इट इज़ ऑल्सो यूज इन इम्पार्ट द आयंस इन टू सॉलिड्स, सॉलिड्स में काम आता है एंड मॉडिफाइड द प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर इसकी मॉडिफाइड हो जाती है। इवन द सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स मतलब सिंथेसाइज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, तो हम न्यू मटेरियल बनाते हैं इससे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बनाए जाते हैं इसमें, जो कि हॉस्पिटल में डायग्नोस करने के काम आता है और ट्रीटमेंट काम करने के काम आता है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। ये अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपका फिजिक्स इंप्रूव होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।